मैं कुछ ना, मैंने तो ये चाउमीन वाउमीन खाई थी बस। बारात कहाँ से गई? बागपत से। बागपत कहाँ से? चिलगर रोड पे। चिलगर रोड ऐसा कॉलोनी के आदमी गए तो क्या वहाँ कितने कितनी गई थी बारात? यहाँ कितने लोग गए थे? 200 गए थे। अच्छा, कहाँ बरलोनी में किस जगह गई थी? खन्ना नगर। खन्ना नगर लोनी। तो कितनी की हालत खराब हुई वहाँ पर? 10-20 आदमी गई। 20-21 आदमी। खाया क्या इन लोगों ने वहाँ? क्या क्या था खाने में? चाउमीन के बताए सारे, चाउमीन ज़्यादा पिया तो लेडीज चाहिए। बारात में गए थे लोनी, लोनी में और सोपियार में, और वहाँ पर एक बारात में इन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद इनको जो है उल्टी और दस्त की शिकायतें आई, साथ में पेट में दर्द था, और उसके बाद हमारे जिला अस्पताल में आए हैं। और कुछ लोगों की पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से हम लोगों को ग्लूकोज और सब जरूर दवाइयाँ शुरू कर दी गई, और इनका इलाज चल रहा उतार में। हमारे यहाँ सारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सत्य प्रकाश और भी लोग आए, सी बस के देख रेख में सारा काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है। बच्चे बड़े समेत कुल फूड पॉइजनिंग के कितने शिकार थे इसमें? उसमें बच्चे और मेडट लेके कम से कम 15-17 लोग करीब हमारे पास आए हैं, और सब अंडर कंट्रोल है और सबका इच्छा उपचार चल रहा है। और कुछ लोग बच्चों को जो कि थोड़ा से सिक थे तो उनको हम लोग भर्ती कर लिए हैं, उनको शायद सुबह तक छुट्टी मिल जाए। किसी की रेफर की हालत की स्थिति? किसी की रेफर की हालत की स्थिति नहीं बनी है अभी तक, और सब जो है अंडर कंट्रोल है। वापस से एक बारात गई थी लोनी, तो यहाँ से जितने भी बाराती गए थे वो शादी को अटेंड करने के बाद जो यहाँ पर जो घर वापस लौटे तो अचानक कुछ लोगों को उल्टियाँ और पेट में दर्द की शिकायत हुई, तो तत्काल वो लोग इमरजेंसी में आ गए हैं जिला चिकित्सालय बागपत में। और यहाँ पर जो है इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय प्रकाश और हमारे सीनियर फार्मेसिस्ट मुकेश शर्मा, मोहित त्यागी, पूरी टीम यहाँ मौजूद थी। तत्काल सबको टेकअप किया गया, एडमिट किया गया और प्राइमरी मैनेजमेंट सभी को दे दिया गया है इसमें करीब। और बाकी जितना भी स्टाफ था और स्टाफ जो है जो ऑन ड्यूटी था उन सब वो सभी लोग यहाँ पर आ गए, और सभी के सहयोग से करीब 14-15 मरीज अभी यहाँ आए हुए हैं, तो बच्चे भी हैं। और सबको इलाज देने के बाद कुछ लोगों ने अच्छा बेटर फील किया है, वो घर भी चले जाएंगे और कुछ लोगों को भर्ती किया जाएगा, अंडर ऑपरेशन रखा जाएगा, और मेरे ख्याल से कोई समस्या ना करनी पड़ेगी। और पूरी टीम मेरे साथ ही है, पूरी टीम ही मौजूद है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।